पकड़ लिया भाई इसको मैंने। चलो आ गया, धर लिया भाई धर लिया। अच्छा पोकेमोन था यार, मार के गया बुरी तरह, इतना सा है, छोटा सा, पर अटैक देखो भाई क्या कर रहा है। वैसे गाइस बातों ही बातों में हमने इस पोकेमोन के बॉस एरिया में पहुंच गए क्या? ये देखो यहाँ पर एक बॉस पोकेमोन है वॉर्सेक। फिलहाल मुझे से फाइट तो करनी है, बट मेरी अभी इतनी हालत नहीं है कि मैं इससे फाइट करूँ। खाना सारा पड़ा था, वो मेमोरेस्ट खा चुका है, मुसांडा लक्स भी खा चुका है, यानी अभी मैं हील तो कर नहीं सकता हूँ। मुझे ना एक बार वापस जाना पड़ेगा टेलीपोर्ट होकर, और मैं दोबारा से आऊंगा इनके बॉस पोकेमोन से लड़ने। वैसे वापस जाने का एक ये रास्ता है, और एक दूसरा रास्ता मुझे लग रहा है सामने की तरफ भी होगा जहाँ पर धुआं निकल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि पहले उस वाले रास्ते पे जाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक मेरे को नया पोकेमोन मिलेगा। जहाँ पर भी धुआं निकल रहा होता है समझ लो किसी मतलब गार्ड ने एक पोकेमोन को कैद कर रखा है अपने पास। भाई वेट, ये क्या है? यहाँ पर तो बी ग्रेड बहुत सारी घूम रही है, जो एलिजा बी गार्ड, तो उस वाले एरिया में जो एलिजा भी थी उसकी जो गार्ड है वो इधर घूम रही है नॉर्मली, और वहां पर मुसांडा लक्स का भाई, मुसांडा। इन लोगों ने देख लिया क्या? भाई मेरे को गड़बड़ हो गई, भाग लेता हूँ। इन लोगों ने शायद मुझे देखा है, पता नहीं ऐसी आ रही है। बाकी गाइस मुझे मुसांडा का भाई मिल चुका है यार, इसको पकड़ ले क्या आज? वेट यार, मेरा आर्मर डैमेज है। जा मुसांडा, रुक, मैं पहले हील भी तो नहीं कर सकता, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। बट मैं पता है अभी क्या चाह रहा हूँ, मुसांडा और मुसांडा के भाई की फाइट हो जाए भाई, मजेदार। भाई वो देखो वहाँ पर एक और पोकेमोन है भाई, गौरी रेट। यार नए एरिया में तो मुझे पता नहीं क्या क्या दिख रहा है, एक नहीं दो दो हैं। इनसे अभी फाइट लो या बाद में फाइट लो, ये एरिया तो बहुत ही तगड़ा है यार। पता नहीं मुझे कितने सारे अलग अलग टाइप के नए पोकेमोन ऑलरेडी दिख चुके हैं। एक बार ही थोड़ा सा आगे की तरफ में एक्सप्लोर कर आते हैं, शायद से ना ये यहाँ के नॉर्मल पोकेमोन है तो मुझे नॉर्मली दिख जाने चाहिए, बट नहीं। आगे थोड़ा सा मामला अनसेफ है। मैं ना एक काम करता हूँ, ये जो गौरी रेट है ना इसको बुलाता हूँ अपने पास अकेले। इसका जो दूसरा भाई है ना उसको दूर ही रहने देते, इसकी फाइट मैं करवाने वाला हूँ। भाई है ना थोड़ा सा शरीफ है, लेट्स सी अगर मैं इसके बगल से जाता हूँ तो क्या ये मुझे मारेगा। मारेगा 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 मारेगा, तू भी जा, तू भी मार इसको, वो पत्थर मार रहा है। बढ़िया, वापस आ गया, आ गया वो मेरे पास सारा भाग के। रोक अपने भाई को, तेरा कुछ कर। बढ़िया, तेज वाला मुक्का मार, बहुत ही सही भाई, उसने भी मुक्का मार दिया भाई। वापस आ नीचे, रोक इसे, पत्थर बहुत तेज मारता है यार, पूरा मत मारियो, बस तेरा भाई रोक लेगा अभी से। आ जा, देखो दूसरी वाली बॉल फेंकते हैं, चांसेस ज्यादा इस बार कैप्चर हो गया, इजी पीजी। चल अंदर, बदमाशी कर रहा है बेटे, अरे चल अंदर, इस बार तो कैप्चर है। यस हो गया, लेट्स गो, हमने इसे कैप्चर कर लिया, मुसांडा के भाई को कैप्चर कर लिया भाई। अब सामने तो छोटू चिंटू पिंटू है ना, इसको पकड़ लिया। यहां तक आए हैं तो मैं इनको तो धर ही लिया, मैं क्या कह रहा था भाई, क्या डैमेज है। पड़ी पड़ी पड़ी, खत्म, बहुत सही, वापस आ जा। मैं कह रहा हूँ ना भाई, अपनी अपनी टीम बहुत डेंजरस हो चुकी है भाई इस टाइम पे। इनको मार दे भाई तू, इसका अटैक बहुत सही है, देखना अभी कैसे मारेगा। अरे उनको मारना है हमें, उनको सामने, हाँ अभी लड़के आएगा देखना। एक गया, अब फेंकेगा वो फायर, अरे उसकी करंट लगा दे भाई, करंट वाला है। अरे भाई मैं खाली पीली उनसे लड़ रहा था, ये देखो यहाँ पे दो दो उसके भाई घूम रहे हैं। चल भाई आजा, लड़ाई कर लियो तो क्या, ठीक है। मैं एक नया फास्ट ट्रैवल ढूंढ रहा था, बट फास्ट ट्रैवल तो नहीं, मुझे जो वो वाला एरिया मिला था जहाँ पर से धुआं निकल रहा था, जिधर पोकेमोन कैप्चर्ड रहता है, मैं उस जगह के बहुत पास पहुंच गया। अब चल के उस पोकेमोन को रेस्क्यू कर ही लेते हैं, और देखते हैं कि आखिरकार कौन सा पोकेमोन हमारे हाथ लगने वाला है। बाइनोकुलर्स मैं बना सकता हूं क्या इस गेम में, ताकि दूर से ही देख लूं भाई कौन है, ऐसे तो समझ ही नहीं आ रहा, बट ठीक है। वहाँ पे भाई फाइट चल रही है भाई, गौरी रेड तो काफी शरीफ सा पोकेमोन है यार, कूद के मारता है लेकिन ये। अबे भाई ये देखो यहाँ पर ये एपिक कुक्रेट, इसको बचाने आया हूँ क्या मैं? जी भाई कितनी गंदी किस्मत है मेरी, वो लोग लड़ रहे हैं मैं ऐसे छुड़ा लेता हूँ। गाइस अपने ना मजे मजे में लेवल 22 हो गया,
क्योंकि यहाँ पर मैंने ना एक और पोकेमोन कैप्चर कर लिया, इसको भी छुड़ा देते हैं भाई, क्या पता मेरे लिए थोड़ा लकी निकले। आ जा भाई, क्या खास बात है तेरे में। गाइस बॉस फाइट तो आज हमने 3-4 बॉस, ओए वेट 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 वेट, एक सेकंड एक सेकंड, खतरा हो गया भाई, हमला हो गया। ये तो मेरे को मारेंगे बुरी तरह। ये क्या है, अबे क्या हो रहा है, ओए मैं जल भी रहा हूँ, ये कौन सा अटैक था, कुछ चारों तरफ मेरे आके घूमे और बम की तरह फट गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई, आई मीन समझ आया बट बहुत ही डिफरेंट अटैक था, वो खुद भी मर गए, उन्होंने मेरे को भी मार दिया। गाइस रुको, मुझे ना सामने एक और वो एलिजा बी वाले पोकेमोन मिल चुके हैं, बी गार्ड, पर मुझे डर इसी चीज का भाई, वो लोग आते हैं गोल गोल घूम के फूट जाते हैं, मुझे डर लग रहा है कि वो दोबारा से ऐसे ही कुछ करने वाले हैं, वो मेरे को मारने आएंगे और गोल गोल घूम के फूट जाएंगे। पर ठीक है, मैंने अपने फेल बैट को भेजा है ताकि वो उनसे लड़े, अगर मैंने एक को मार दिया ना तो मैं पकड़ सकता हूँ इन्हें, मेरे पास मत आने दो उन्हें। अरे भाई पूरा मार दिया उसने फेल बैट ने, यार फेल बैट बहुत खतरनाक है, सही बता रहा हूँ, मारियो जरा इसको, जरा देखना कैसे मारेगा, इसके अटैक कॉम्बोज बहुत ही तगड़े भाई, ले 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 ले, जो करना कर ले भाई, दो दोनों लो भाई, उड़ा दिया दोनों, अकेले कितना बुरा पीट रहा है भाई ये, उसको भूख लग रही है, रुको रुको इसको फेंकता हूं ऊपर, अभी ओए पत्थर मार के मार दिया भाई दोनों, मुझे ना ऊपर की तरफ में एक और बी ग्रेड दिख चुका है, मैं इसे दोबारा फाइट करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक को कैप्चर कर लूँ, लास्ट टाइम इसने भाई बहुत ही बुरी तरह दोनों को मार डाला था, इस बार पूरा मत मार यार एटलीस्ट, ये देखो क्या पीट रहा है भाई वो, मैं मरने वाला हूँ इस शायद से, मेरे को ना से भेजना पड़ेगा, ये मार ही देगा, मेरी क्यों हेल्थ कम हो रही है, अरे उसे मैंने कैप्चर कर लिया, एंडिंग काफी बुरी हुई है बट हम लोग पोकेमोन कैप्चर कर चुके हैं। चलो बेस में वापस आ गया हूँ, अपने को नया वाला पोकेमोन एलिजा बी, भाई मुझे अच्छे से याद है मैंने उसे कैप्चर करा, वैसे स्कैम मत करो गेम वालों, गाइस रुक जाओ, शायद से हम लोग अगर जिंदा नहीं रहते और हमारी बॉल में कोई पोकेमोन कैप्चर हो जाए तो वो हमारे पास नहीं, अरे आ तो गया ये बी ग्रेड एलिजा बी थोड़ी था, बी ग्रेड था ना उसका नाम, ये आ चुका बट काफी वीक पोकेमोन है, तो एक काम करो मुझे ना थोड़ी देर के लिए दो बुक ग्रेड्स, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है ना मुझे अपना सामान लेकर आना है जो बहुत ही ज्यादा दूर पड़ा है, अरे लड़ाई वड़ाई मत कर पिटाई हो जाएगी यहाँ पे, अरे पिटाई लगवाएगा अपने बुक ग्रेड, मान लिया अगर कभी मेरे भाई तू इतना ताकतवर नहीं है, चले यहाँ से, चले यहाँ से निकलते हैं भाई, देखो भाई कितने सारे पीछे पड़ गए हैं, अबे इसके चक्कर में लड़ाई हो गई यार भाई, यहाँ पर एक मेमोरिस्ट है, मेमोरिस्ट भी सारे मार रहे हैं, यहाँ पर एलिजा भी तो बहुत है भाई, बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और मुझे ना जल्दी से जल्दी किसी तरीके से घर पहुंचना है, एक बारी मुझे एक लार्ज फ्रोजन एग मिला, यानी इसमें से मुझे कोई ना कोई आइस पोकेमोन मिल सकता है, बट मैं अभी पोकेमोन के लालच में नहीं हूँ, मुझे बस ना एक बारी सही सलामत किसी तरीके से पहुंचना है घर पे, जिसका सही बताऊं तो मुझे रास्ता मिल नहीं रहा है। चलो भाई लेट्स गो, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ फास्ट ट्रेवल पे, यहाँ से फास्ट ट्रेवल करके चलते सीधा बेस पे, बस आज के लिए भाई बस इतना ही, सही सलामत घर पे वापस पहुंच चुके हैं, सही बताऊं तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिन गया आज का, मैं बस एक बॉस पोकेमोन को मतलब पकड़ नहीं पाया बट आज हमने कैप्चर कर, सो हे गाइस न्यूज बॉय, तो हम बात करते हैं ऊषा छेत्री के बारे में, तो इनके साथ असम के मरियानी में बहुत ही गलत हुआ है ना, ये अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आके सब कुछ बताई है, अब जितना इन्होंने इंस्टाग्राम बायो में लिखा है पढ़ाई वगैरह कुछ कर रही, तो असम के मरियानी में गई है ना बात हो गया कि आप देख सकते हैं, तो उसी वजह से असम के मरियानी में कुछ लोगों ने वर्बली एंड फिजिकली क्रैश, उन्होंने उनको इतना क्रैश किया फोर्स किया कि उनको बहुत सारे लोगों के सामने दिखाना पड़ा, तब तक उनको 3 घंटा रुकना पड़ा लेकिन फिर भी उनको कोई जस्टिस नहीं मिला, जो भी हुआ उनके साथ उसके लिए वो जस्टिस का डिमांड करती है, वो बताती है ना कि अगर मुझे जस्टिस मिलता है तो आगे फ्यूचर में किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होगा, तो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को रिक्वेस्ट करती है कि उनको जस्टिस दिया जाए करके ना।
अच्छा, अब क्योंकि मैं भी असम से हूँ, इस तरीके का हरकत हुआ असम में, मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा असम के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा इन अथॉरिटीज से कि उनको जस्टिस दिया जाए। आप लोग भी हेल्प कर सकते हो यार उषा छेत्री को, ट्विटर पर डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को टैग करके, असम पुलिस को टैग करके ना, उसे अपडेट के बारे में, मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट भाई बहुत जल्द क्रॉस करने वाले टी सीरीज को, उनके जो सब्सक्राइबर्स है वो रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। उनके चैनल पर अभी करंटली 248 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड टी सीरीज के 262 मिलियन सब्सक्राइबर्स, सिर्फ 14 मिलियन सब्सक्राइबर्स का डिफरेंस है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में चुके, ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया उसके बाद से उनको काफी सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, काफी सारे लोग उनके अगेंस्ट में ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं, पोस्ट वगैरह कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपने वीडियो में लोगों को मिसलीड किया है? वो अपने वीडियो में बताते ना कि पीएमएलए केसेस में बेल मिलना बहुत ही